हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एक नए एआई टूल की जिसका नाम है राइट सोनिक। तो ये एक एआई कंटेंट क्रिएटर है जिसके ज़रिए आप अपने वेबसाइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे कि आप इससे टेक्स्ट ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, आप इमेज जनरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, आप अपने इसको अपने बॉट को आप अपना नया बॉट क्रिएट करके उसको कंटेंट फीड करके उसको ट्रेन करके अपने वेबसाइट्स वगैरह पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो है एप्लीकेशंस है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, और नीचे दिए गए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहां पे मिलेगी आपको ढेर सारी अपडेट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं ये राइट सोनिक का टूल। तो आप जब ये वेबसाइट पे आओगे rightsonic.com, तो आपको बस साइन इन करना है और आपको ये ले चलेगा जो है इस जगह पे। तो यहाँ पे बहुत सारी टैम्पलेट्स आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, मार्केटिंग टूल, जनरल राइटिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, वेबसाइट कॉपी। तो एआई आर्टिकल 5, ये एआई आर्टिकल 5 अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये क्या करता है, ये आपका लेटेस्ट कंटेंट भी आपको ढूंढता है। जैसे कि चैट जीपीटी का लिमिटेशन ये है कि वो 2021 के बाद में अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको गूगल पे सर्च करके, इंटरनेट पे सर्च करके आपको लेटेस्ट चीज़ के बारे में बता देगा। तो चलिए चलते हैं और सर्च करते हैं राइट सोनिक को ही हम सर्च आर्टिकल्स। तो जब हम सर्च करते हैं तो बिल्कुल आपको ये जो है अपना गूगल सर्च की तरह पे यहाँ पे लिंक्स दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट सोनिक की वेबसाइट लिंक है, यहाँ पे यूट्यूब है, ये किसी और जगह से, लेट्स क्लिक द थर्ड वन, तो ये आपको उस जगह पे लेके जाएगा यहाँ पे इसके बारे में कंटेंट जनरेट किया हुआ है। तो इस तरह से ये आपको अपडेटेड जो है इंफॉर्मेशन देता रहेगा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं। ए आई आर्टिकल राइटर 4.0, ये आपका जो है टॉपिक वही ले लेते हैं हम, ये चैट जीपीटी की तरह ही है। तो राइट सोनिक नेक्स्ट, तो यहाँ पे टॉपिक मैंने राइट सोनिक लिया, वही लिया, टोन ऑफ द वॉइस प्रोफेशनल लिया, फनी ले लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट ऑफ व्यू इज फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी आप फर्स्ट पर्सन के वॉइस में इसको चाहते हैं। आउटपुट जो भी है, कॉल टू एक्शन, क्या आप करना चाहते हैं, ये पोस्ट के बाद में इसको हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे। लैंग्वेज इंग्लिश में ही अब मैंने जनरेट किया था एक डमी, देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन है क्या। तो यहाँ पे हमारे लिए जो है हिंदी ऑप्शन नहीं है और ना ही उर्दू है। तो मैं आपको जो ऑलरेडी कंटेंट जनरेट हुआ है वो दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है 10,000 वर्ड्स का, उसमें से करीब 30% मैंने यूज़ कर चुका हूँ और ये बैलेंस कुछ अपनी पर्सनल R&D के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। हिस्ट्री में अगर जाएँ तो मैंने यही आर्टिकल जो है इंग्लिश में यहाँ पे मांगा था, आप देख सकते हैं AI राइटर 4.0 से। तो गेट एन आउटलाइन, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये सब चीज़ें आपने डालने के बाद में कीवर्ड्स डाला, आइडियाज़, तो आपको इसे सेक्शन दे देता है वो, तो हर सेक्शन के ऊपर उसने आर्टिकल लिख देता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंटेंट जनरेट होना चालू हुई थी, तो इवन इमेज जनरेट हो चुकी है यहाँ पे। तो मैंने इसको बीच चलता है स्टॉप कर दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा आर्टिकल नहीं चाहिए था। तो ये रहा जो है आपका आर्टिकल, ये AI राइटर 4.0 और 5.0 के यूज केसेस। फिर ऑडियो सोनिक दोस्तों, ये है जहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे कंटेंट टाइप कर सकते हैं और उसको ऑडियो में जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे कंटेंट है उसको मैं आपको सुना दूंगा जो जनरेट किया हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट अपना डालना है, वॉइस यूज करना है, चेंज करना है,
और जनरेट ऑडियो, तो वो आप जनरेट करेंगे तो इस तरह से आपकी AI voice generator. Bring your content to life with AudioSonic. Transform your content into realistic audio with AudioSonic's text-to-speech and voice AI capabilities. Perfect for marketing, sales, education, podcasts, and more. तो आप देख सकते हैं आपका जो कंटेंट है टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट कंटेंट है इसको ऑडियो में जनरेट हो चुका है। हमने AI राइटर के बारे में और सुन लिया है जो है। फिर चलते हैं ब्रांड वॉइस जो है, आप यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह आपकी वॉइस अपलोड करके एनालाइज रेप्लिकेट करके आपकी खुद की एक ब्रांड वॉइस जैसे बना सकते हैं। फिर चलते हैं बॉटसोनिक में, ये ब्रांड बॉटसोनिक, तो यहाँ पे जो है ये आप एक अपना नया बॉट क्रिएट कर सकते हैं। आपने कुछ कोडिंग यहाँ पे नहीं करनी है, आप जस्ट बटन सिलेक्ट कर देंगे आपको वो ऑप्शंस दे देगा। जैसे कि मैंने ये नाम लिखा था मेरे बॉट का चैम्प व्यू बॉट, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देता है। आप उसको फाइल दे सकते हैं, कोई लिंक शेयर कर सकते हैं, साइट मैप से FAQs, तो वो बॉट जो है ये ट्रेन हो जाता है। यानी जैसे कि मैंने यहाँ पे दो लिंक्स दी हुई है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की, और वो जो कंटेंट है वो रीड करके अपने आप को ट्रेन कर लेता है। तो ये एक इवेंट मैनेजमेंट है, तो मैं आपको एक डेमो देता हूँ यहाँ पे। फर्ज कीजिए ये ट्रेंड थिंग आप अपने चैट जो है वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स डू यू मैनेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्पेशलाइज इन कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये जो आपने कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट से आपको आंसर करता है। यानी आपको यहाँ पे आदमी की भी जरूरत नहीं है, बॉट आपको अपने क्लाइंट्स को आंसर करेगा। तो इस तरह से ये आपके जो है क्वेश्चंस जो है जो आपने दिए हुए हैं, आपने करना क्या है, बस उसको कंटेंट पेश करना है, वो अपने आप रीड कर लेगा, अपने आप ट्रेन हो जाएगा आपके कंटेंट के ऊपर, और फिर आप उसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह के ऊपर। तो ये तो हो गया अपना बॉट। फिर हम देखते हैं उसका तो चैट सोनिक, बेसिकली ये जो है आपने चैट GPT की तरह है बिल्कुल। तो आप यहाँ पे उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और लोड नहीं हो रहा है ये, आप देख सकते हैं बिल्कुल चैट GPT की तरह आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप उसके जरिए आंसर्स पा सकते हैं। तो फोटोसोनिक जो है यहाँ पे ये एक इमेज जनरेटर है, शायद वेबसाइट लोडेड है। तो या तो मेरा इंटरनेट या फिर शायद ये जो वेबसाइट है उस पे लोड ज़्यादा रहेगा, न्यू पेजेस लोड नहीं है, जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम यहीं पे, इसको मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन आप अगर यहाँ पे आए तो टिपिकली जो भी आपने जो इमेज जनरेशन देखी हुई है, आपने अपना जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है, इमेज जनरेट हो जाएगी। लेकिन इमेज क्वालिटी मैं कहूँगा कि कंपेयर टू अदर AI टूल्स यहाँ पे उतनी बेहतरीन इमेज क्वालिटी आपको नहीं, ये देखिए ठीक ठाक है काम चलाने के लिए काइंड ऑफ अ थिंग। तो बाद में उसके अलावा बल्क जनरेशन टूल्स भी है यहाँ पे, शायद ये उनका प्रीमियम फीचर रहेगा, ये साइड लोड नहीं हो रही बार बार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही पर्टिकुलर जो टूल है उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं राइट सोनिक के, आपको ऑडियो कन्वर्टर, आपको चैट बॉट, आपका जो है वेबसाइट के लिए जो चैट का बॉट है, आपका जो कंटेंट क्रिएटर है, ब्लॉग क्रिएटर, और टेम्पलेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हुई हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है। आपका फीडबैक क्या है इस टूल के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको